गर्मियों का मौसम था। ऐसे में कुछ जानवर बरगद के पेड़ के पास वाले मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको सामने से एक मुर्गी का चूजा आता हुआ नजर आया। अरे, हमारे जंगल में चूजा? हाँ, मेरा नाम मुन्नू है। तुम बहुत प्यारे हो मुन्नू, लेकिन यहाँ तुमको खतरा है। तुम यहाँ जंगल में आए किस लिए हो? तुम तो गांव में रहते हो ना? मैं अपनी मम्मी के साथ एक किसान के घर में रहता हूँ। सुबह किसान खेत पर गया हुआ था, मैं पिंजरे में था और मम्मी पास में ही दाना चुग रही थी। जाने कहाँ से एक बड़ा सा कुत्ता आया और मुझ पर हमला करने के लिए मेरे करीब बढ़ने लगा। मम्मी ने जब यह देखा कि वो मेरे पिंजरे तक पहुँच चुका है, तो उन्होंने शोर करते हुए उसको अपने पीछे लगा लिया। वो भाग कर जंगल की तरफ ही आई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बस उनको ढूंढने ही यहाँ आया हूँ। ये सुनकर सभी जानवरों को उस पर दया आ गई। तुम फिक्र मत करो चूजे, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ये कहकर उसने बाकी जानवरों से कहा, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर मुर्गी मम्मी को ढूंढेंगे। मोंटू बंदर, तुम मुन्नू चूजे के साथ रहोगे। वो मिले या ना मिले, शाम होने पर हम सब यहीं जमा होंगे। ये तय कर सभी मुर्गी मम्मी को ढूंढने निकल पड़े। इस तरफ शेर लकड़बग्घे से कुछ बात कर रहा था। लकड़बग्घा, ध्यान से सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए मेरे भाई से मिलने उसके जंगल जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम जंगल का शासन संभालोगे। लेकिन याद रहे, अगर वापस आकर मैंने तुम्हारी एक भी जानवर से बुराई सुनी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें शेर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उससे ये बात कर शेर वहाँ से निकल गया। अब एक तरफ सभी जानवर चूजे की माँ को ढूंढने में मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ लकड़बग्घा राजा बनने के बाद अपनी मनमानी से खूब जानवरों को परेशान रखने लगा। रोजाना यही होता कि जानवर मुर्गी को ढूंढते और शाम होने पर बरगद के पेड़ के पास आकर मिलते। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। अब लकड़बग्घा सोचने लगा कि जब शेर वापस आएगा तो वो उसका सामना कैसे करेगा। मैं तो बुरा फंसने वाला हूँ, शेर वापस आएगा तो जानवर मेरे बारे में उसके कान भरना शुरू कर देंगे। ऐसा क्या किया जाए कि शेर आते ही मुझसे खुश हो जाए और जानवरों की बातों पर ध्यान ना दे। कुछ देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया और वो गुफा से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको मुर्गी मम्मी नजर आई। उसी टाइम मोंटू बंदर भी वहाँ मुर्गी मम्मी को ढूंढता हुआ गुजर रहा था। अरे मुर्गी मम्मी, तुम यहाँ हो? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि गांव से मुर्गी उठाकर लाने पड़ेगी, लेकिन ये तो यहीं मिल गई। ऐसा कहकर वो मुर्गी की तरफ तेजी से झपटा, लेकिन मुर्गी इससे अपनी जान बचाकर भागने लगी। मेरा पीछा मत करो, छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दिया तो शेर क्या खाएगा? अब आगे मुर्गी थी और उसके पीछे लकड़बग्घा और उसके पीछे मोंटू बंदर। मुर्गी भागते भागते शेर की गुफा के अंदर ही घुस गई। ये अच्छा हुआ कि ये अपने आप ही गुफा में पहुंच गई। लकड़बग्घा, तुम उस मुर्गी को अभी के अभी रिहा कर दो। मैं इस मुर्गी को नहीं छोड़ने वाला, शेर वापस आने वाला है। जब मैं उसको उसकी पसंदीदा मुर्गी भेंट करूंगा तो वो मुझसे खुश हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपने दो और साथियों को बुलवा लिया। वो दोनों गुफा के बाहर रुक कर पहरा देने लगे और लकड़बग्घा
खुद अंदर चला गया। मोंटू बंदर अब तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ भागा। सभी जानवर मुन्नू चूजे के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। इतने दिनों से आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिक्र मत करो मुन्नू, हम उनको ढूंढ लेंगे। अभी तक मोंटू बंदर यहाँ नहीं लौटा है, हो सकता है उसको आज वो मिल गई हो। थोड़ी देर बाद मोंटू बंदर वहाँ पहुँचा। उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। अरे मोंटू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मैंने मम्मी मुर्गी को ढूंढ लिया था, लेकिन अब उनकी जान खतरे में है। तुम क्या कहना चाहते हो? अब मोंटू बंदर ने उनको सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर चूजा और डर गया। ओह नो, अब हम मम्मी को कैसे बचाएंगे? तुम बेफिक्र रहो चूजे, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम मम्मी मुर्गी को बचा लेंगे। ये कहकर उसने अपना प्लान सबको बताया। अगले दिन शेर जंगल वापस आ चुका था। अब वो अपनी गुफा की तरफ ही जा रहा था कि उसने सभी जानवरों को एक साथ बात करते सुना। हमें शेर की बहुत याद आएगी, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है? शेर तो अब मौत का शिकार होने वाले हैं। ये सुनकर शेर को गुस्सा आया और वो उनके सामने पहुंच गया। क्या कहा तुमने? मैं मरने वाला हूँ। शेर, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ज्यादा होशियार मत बनो, मुझे बताओ कि कौन कह रहा है मैं मरने वाला हूँ? हम आपको कुछ नहीं बता सकते शेर, वरना हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तुम मुझे बताते हो या मैं ही तुमको खत्म कर दूं? नहीं नहीं, बताता हूँ शेर। लकड़बग्घा ने तुम्हारे जाने के बाद जब से जंगल को संभाला है, उसकी सभी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे हैं। इसलिए वो चाहता है कि तुमको मार कर अब हमेशा के लिए जंगल पर राज करे। क्या उसको लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? हाँ, उसको पता है आपको वो नहीं मार सकता, इसलिए उसने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? पास ही के गांव में बर्ड फ्लू फैला है, जिसकी वजह से मुर्गी और मुर्गियों में इतना वायरस फैल गया है कि जो भी उनको खा रहा है उसकी मौत हो रही है। इसी वजह से गांव वालों ने अपने घर के मुर्गे मुर्गियों को बाहर निकाल फेंका, और लकड़बग्घा ने उन्हीं में से एक मुर्गी को गुफा के अंदर रखा है। उसका प्लान है कि तुमको तोहफे के रूप में मुर्गी भेंट करेगा, और जब तुम उसको खाओगे कुछ देर बाद बीमार पड़ोगे, और फिर दो लकड़बग्घों के साथ मिलकर वो तुम पर हमला करवा देगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। कुछ देर बाद जब शेर गुफा पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर दो लकड़बग्घे और बैठे हुए हैं। यहाँ तो सच में दो लकड़बग्घे और हैं। इसका मतलब छोटू हिरन सही कह रहा था। वो गुफा के अंदर पहुंचा, तो लकड़बग्घा उसको देखकर खुश हो गया। शेर आप आ गए, ये देखिए मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा मुर्गी तैयार कर रखी है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये मुर्गी खाऊं और बीमार पड़ जाऊं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बीमार करके अपने दो लकड़बग्घे दोस्तों के साथ मिलकर मुझे खत्म कर दोगे, यही चाहते हो ना? लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर उस पर झपट पड़ा और उसको वहीं ठंडा कर दिया। ये देख उसके दोनों दोस्त वहाँ से भाग निकले। तुम यहाँ किस लिए रुकी हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मुर्गी खुश हो गई और वहाँ से भाग निकली। वो कुछ दूरी पर चली ही थी कि उसको सामने से मुन्नू चूजा नजर आया। उसके साथ मोंटू बंदर, छोटू हिरन, रामू हाथी, कालू भालू और बहुत सारे जानवर थे। मेरे बच्चे, मम्मी,
दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं फिर से अपनी मम्मी से मिल पाया हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मुन्नू, हमसे मिलने भी आगे आते रहना। उसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी दोनों को जंगल की सरहद के पार छोड़ने चले गए।